हीराबा का निधन हो गया है। आज अंतिम सफर पर है हीराबा। अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है हीराबा ने। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं पीएम मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देरों में पंच तत्व में विलीन होंगी हीराबा। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं आप अपने अंतिम सफर पर है हीराबा। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं पीएम मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी हीराबा। अपने अंतिम सफर पर हैं, अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई देखा उन्होंने, बेटा को इस मुकाम पर देखा। 100 साल की जिंदगी। हमारे समाचार संपादक वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, जिस तरह से पंच तत्व में कुछ ही देर में खबर आ रही है, कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी हीराबा। जी देखिए बिल्कुल, और अभी जब सुबह जानकारी आई तो उसके बाद कोई बहुत देरी जैसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बस पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने अंतिम नमन किया, फिर अर्थी को कांधा दिया और शव वाहन से सेक्टर 30 के शमशान घाट पार्थिव देह को ले जाया गया। और वो तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं उससे अंदाजा है कि बस ये दूसरी तस्वीर है। पार्थिव देह जो है उसे शव वाहन से उतार करके अब ये शमशान भूमि में प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई कांधा देते हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो सीधी तस्वीर है और ये जो तस्वीर है शमशान भूमि की, इसको सिंगल विंडो में दिखाएं। ये जो तस्वीरें शमशान भूमि की आ रही थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये पहुंच चुके हैं। उनकी माता जी की देह पंच तत्व में विलीन होगी। सेक्टर 30 गांधीनगर से ये शमशान भूमि है जहां भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ओपी धनखड़ साहब, ऐसे में कुछ भी कहा जाए या लिखा जाए, वो जो पीड़ा है वो वही समझ सकता है जिसने अपनी माता जी को खो दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ 100 साल की शानदार यात्रा पूरी करके गई है जिसमें तपस्या भी है, प्रेरणा भी है, सहजता भी है, शालीनता भी है। और हम सब ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अपने माँ के साथ भी है और ये भाव पर पहुंचना बहुत ऊंचाई है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए स्थित प्रदेश कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब जुड़ने के लिए और अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देने के लिए। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा हमारे साथ थे। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर अब हीराबा पंच तत्व विलीन होंगी और वो तमाम जो विधि है वो वहां पर चल रही है। आप देख रहे हैं शमशान भूमि के बाहर लोग एकत्रित हैं, भीतर परिवार के लोग हैं और जो अंतिम यात्रा है वो अब समापन की ओर है। यहाँ से हीराबा पंच तत्व में विलीन होगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जो भाई हैं वो भीतर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार से पूर्व की जो विधियां हैं वो संपन्न करवाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर की, ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। वरुण जी, जिस तरह से हीराबा का लगातार 100 साल का उम्र में इस तरह का संघर्ष रहा है, पीएम मोदी की कई दफा वो हौसला बढ़ाती हुई नजर आई हैं, लेकिन एक माँ के लिए और एक बेटे के लिए किस तरह का ये रिश्ता रहा है और किस तरह से ये वो किस तरह का ये भावुक पल है? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि इन्हें शब्दों में बयां करना या इन्हें शब्दों में लिख पाना संभव नहीं है। माँ के जाने की पीड़ा वो सिर्फ भावनाओं में होती है और वो भावनाएं वो पुत्र ही समझ सकता है। और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो साथी का जीवन है वो साथी के साथ ही
अपनी अंतिम यात्रा पर है और ये जो अंतिम यात्रा है सेक्टर 30 से स्मशान भूमि पहुंच गई है और उससे पूर्व की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। तो यानी कि हम अभी जो बता रहे थे कि और ये देखिए ये तस्वीरें जो भीतर से भी आ रही हैं, असंभव जो प्रयास है, जो तस्वीरें आप आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, उससे पूर्व अंतिम यात्रा की तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और एक दूसरी तस्वीर जो है वो शमशान भूमि की है। तो दोनों तस्वीरें हमारे सामने हैं, पीएम मोदी की माँ हीराबा वो अब अंतिम विदाई उनकी हो रही है, 100 वर्ष की यात्रा शतायु वो कुछ समय पहले ही हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखकर ढेर सारी जानकारी साझा की थी, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में बताया था, उनके अपनत्व के बारे में बताया था। और अभी जो ओपी धनखड़ बता रहे थे कुछ पैसे लेकर आए थे जब उन्हें वो चुनाव लड़वाना चाहते थे सुधा यादव को, और जब भी वो अपनी माता जी से मिलते थे जन्मदिन पर तो उनकी माता जी उन्हें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी एक एक भावुक लम्हा है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किन किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? देखिए मैं महात्मा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बहुत ही आदर्श जीवन उन्होंने जिया है और बहुत मुश्किल दौर में जिया और मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपने आप को डिगमगाने दिया और उसके बाद भी उन्होंने जिस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को दिए और जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व पूरी दुनिया का मार्गदर्शन जिस प्रकार से कर रहे और सही दिशा में दुनिया को प्रेरित कर रहे चलने के लिए, तो ये सारा कुछ माँ के दिए संस्कार ही है। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि भाई जीवन जियो शुद्धि से, तो जो बात कही काम करो बुद्धि से, तो ये छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि पूरी कथा सुनने के बाद जो बात समझ जाती है इतनी बात उन्होंने दो शब्दों में ही कह दी और उसी प्रकार का जीवन जो है जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी रहे तो उसमें बहुत बड़ा जो है जो कहना है वो बाकी है। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जी। एक 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 कंवरपाल जी, एक संघर्षपूर्ण जीवन, एक सात्विक जीवन और एक प्रेरणादायी जीवन वो साफ तौर पर यहाँ दिखा है और ये हमने अंतिम यात्रा में भी देखा कि जो सादगी जीवन भर बनी रही वो अंतिम यात्रा में भी बिल्कुल सादगी से सब कुछ होता हुआ नजर आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा पालन किया कि जिस प्रकार का जीवन माँ ने जिया था, सादगी वाला जीवन जिया था, उसी प्रकार का उन्होंने अंतिम संस्कार में भी उस बात को सारी को ध्यान रखा और जो हमारी परंपराएं हैं जो है वह आम आदमी इस प्रकार से उन्होंने कंधा दिया जैसे मान होता है वैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह ही उन्हें सारा जो है जिम्मेदारियों को पूरा किया और एक ऐसी आदर्श माँ है जिन्होंने इतनी बड़ी प्रेरणा दी, वो इतने लंबे टाइम तक पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी रही क्योंकि बार बार जब भी नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे और वो कोई भी बात उनको कहती थी या कोई भी पुस्तक इस प्रकार की भेंट करती थी तो निश्चित तौर से वो दूसरे लोगों पे भी उसका प्रभाव छूटता है। कंवरपाल जी आप मंत्री हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कितना ये जब ये खबर आई कि इसके बाद प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे, विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करेंगे, उनके जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, ये कितना मुश्किल और मतलब कितना सहज ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, ये आम आदमी नहीं होते, ये दुनिया को दिशा देने वाले लोग होते हैं। जैसे मैंने पहले भी सुना कि सरदार पटेल की पत्नी की मृत्यु होगी लेकिन वो बहस करते और बहस करते करते जब बाद में बहस समाप्त होगी तो जज ने पूछा कि भाई आपको जो पर्ची दी थी वो क्या थी, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु होगी, तो उसने कहा उसने बहस खत्म क्यों नहीं करी उसी टाइम, तो उन्होंने कहा कि उसकी तो मृत्यु हो ही गई थी लेकिन जो लोग हैं जिनका मैं केस लड़ रहा था तो मैं इनको तो नहीं मृत्यु दिलवा सकता था, मुझे इनकी सुरक्षा करनी थी। तो मतलब इतने बड़े विजन के जो लोग होते हैं ना जीवन में जी, वो ही इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं, हमारे जैसे लोग तो कर नहीं सकते ना जी, हम तो थोड़ी सी बात पे ही बह जा घबरा जा डर जा और करते हैं कि महाराज एक समय है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इसी प्रकार की बात करे कि वो उसको अगर अमल में कोई ले रहे तो वो मोदी जी है और उनकी माता जी ने जो उन्हें प्रेरणा दी।
बहुत बहुत धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ने के लिए और अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा हमारे साथ थे और वो अपने शब्दों से भावांजलि अर्पित कर रहे थे। तो आपको बता दें कि और ये वो तस्वीरें हैं, पीड़ादायक क्षण है लेकिन कर्तव्य भी है और कर्तव्य का निर्वहन इस वक्त परिवार करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। अंतिम प्रणाम, अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। पूरा परिवार, सभी जो भाई हैं वो इस वक्त वो जो तमाम अंतिम संस्कार से पूर्व की विधियां हैं वो संपन्न कराते हुए, उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए जो रही हैं। बहुत पीड़ादायक ये क्षण, जिनके साथ जीवन भर का साथ, अब उन्हें यहाँ से विदाई देनी है। और लेकिन इन सबके बीच में जो तमाम विधियां हैं, जो रीति हैं, उन्हें भी संपन्न करना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हीराबा की पार्थिव देह शमशान भूमि में और चिता पर, और अब बस कुछ ही क्षणों में उन्हें पंचतत्व में। हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, पंचतत्व में विलीन होने जा रही है हीराबा, लेकिन ये जिस तरह की दुखद क्षण है, पुत्र कितना ही बड़ा हो उसके लिए माँ का जाना उससे ज्यादा पीड़ादायक शायद कुछ नहीं है। वरुण जी, ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं कि माँ तो माँ ही होती है, पुत्र कितना भी बड़ा हो और माँ बेटे का एक अथक प्यार होता है। और जितने जिस माँ ने मोदी जी को जन्म दिया, ऐसी माँ को धन्यवाद, हम धन्यवाद करते हैं कि माँ ने इस देश को, इस सारी दुनिया को ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। और माता जी ने 100 वर्ष पूरे किए हैं 99 के आसपास, और अपना जीवन भी अपने बेटे को मुकाम पर पहुंचाने का, एक माँ की जो माँ बाप की जो सबसे बड़ी कि बेटा मुकाम पे हो और अपने आंखों के सामने सब कुछ देखा है, आज हमारे बीच में माता श्री नहीं है, ऐसी माँ को अपनी तरफ से अपने परिवार से माँ के चरणों में सदाएं देते हैं। और हम चाहते हैं भगवान अपने चरणों में स्थान दें और ये आशीर्वाद मोदी जी पे, देश के प्रधानमंत्री पे बना के रखें, उनका आशीर्वाद सबको, हम सबको मिलता रहे। मुझे जी, जो उदारता, जो सादगी का प्रतीक हीराबा में दिखता था, इस उम्र में भी, मतलब प्रधानमंत्री खुद ही लिखते हैं कि अगर मिठाई खिलाई तो वो खुद ही उनका मुंह पोंछती थी रुमाल से, यानी वो सादगी भी अपने आप में, और वो हमने अंतिम यात्रा में भी देखा किस तरह की सादगी देखने को मिली, सब कुछ बहुत साधारण तरीके से होता हुआ संपन्न हुआ। नहीं, माता जी का तो और मोदी जी का तो कोई इस दुनिया में उदाहरण है नहीं। सादगी का जीवन, मोदी जी का माँ के पास जाना, मोदी जी हमेशा जाते थे माता से, उनको मिठाई, उनको आशीर्वाद देती थी, ये कोई भूले नहीं जा सकते पल। और माँ कितनी भी हो, बेटा कितना बड़ा हो, माँ पुत्र का बड़ा बहुत बड़ा रिश्ता होता है। मैं तो कहूंगा उनका कर्ज कभी ये देश नहीं उतार सकता। ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, सादगी जीवन, सादगी से सब कुछ जीवन जिया है, और पुत्रों का जो पालन पोषण माता जी ने किया है, ऐसी माँ को हम सब प्रणाम करते हैं। मुझे वो याद आता है 2014 का समय, जब वो गुजरात छोड़कर दिल्ली आ रहे थे प्रधानमंत्री, तब वो भावुक हुए थे अपनी माता जी से मिलकर के, और अब और उसके बाद जब जब अवसर मिला गुजरात जाने का, अपनी माता जी से मिलते रहे। लेकिन ये जो विछोह है, ये जो पीड़ा है, ये शायद आप और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो प्रधानमंत्री इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। मैं कभी पुत्र का बयान नहीं कर सकता। माँ का जाना और माँ का प्यार मिलना, मोदी जी को 14 में मिला या 19 में, जब मोदी जी इस देश के शपथ ली, जब गुजरात छोड़ के आए, वो क्षण देखने लायक है मोदी जी के लिए भी और माता श्री के लिए भी। मैं तो ऐसी माँ को बहुत प्रणाम करता हूँ कि माँ का तो कभी कर नहीं दो। मुंशी शर्मा जी, एक प्रधानमंत्री ने जो उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है
जो पीएमओ से जानकारी विकास कार्यों के जिनकी आज समीक्षा या बैठक होनी थी उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, ये जब पीएमओ से मैसेज आया इसका क्या संदेश आप समझते हैं? नहीं, उन्होंने सारे देश को सर्वोपरि माना है कि सब काम चलेंगे, सब काम पे काम करेंगे, हर काम करना है देश के लिए भी, माँ का भी। ये बहुत बड़े उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, देश सर्वोपरि है। मूलचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, मूलचंद जी आप जुड़े और अपने शब्दों से आपके श्रद्धांजलि अर्पित की। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा हमारे साथ थे। गांधीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हीराबा अपनी अंतिम यात्रा पर हैं, ये अंतिम क्षण है, जो अंतिम संस्कार से पूर्व की विधियां हैं वो संपन्न करवाई जा रही हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। सभी जो उनके पुत्र हैं वो वहां पर उन तमाम विधियों को संपन्न करा रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देरी में मुखाग्नि दी जाएगी और हीराबा पंच तत्व में विलीन होंगी। एक सादगी भरा जीवन, एक उत्कृष्ट जीवन, एक संघर्षपूर्ण जीवन, एक शतायु जीवन जो आज विराम ले रहा है, जो विराम ले चुका है, उसकी अंतिम तस्वीरें अब आपके समक्ष है। गांधीनगर से सेक्टर 30 की शमशान भूमि की तस्वीरें हैं जहां पर विधियां संपन्न करवाई जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं। और साथ ही देश भर से जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश भर के नेताओं ने दुख जाहिर किया है और इससे ये सबसे बड़ा सत्य भी है कि मां को खोने का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख है और वो दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस दुख से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने सुबह 6 बजे ये जानकारी दी थी, फिर वो अहमदाबाद पहुंचे थे, अहमदाबाद से वो गांधीनगर आए, अपनी मां को अंतिम प्रणाम किया घर में और उसके बाद अर्थी को कांधा दिया, फिर शव वाहन जो है वो सेक्टर 30 की शमशान भूमि पहुंचा और सेक्टर 30 की शमशान भूमि में अभी जो अंतिम संस्कार की रस्में हैं उनको उनको संपन्न किया जा रहा है, ये तस्वीरें देख रहे हैं। और ये मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अंतिम क्षणों की वो तस्वीरें हैं जब पंच तत्व में विलीन हो रही हैं हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को अंतिम विदाई दी। वो कांधा जो हमेशा इस सुकून में रहता है कि उसके पास मां का साथ है, आज उसी मां को कांधा देने की पीड़ा इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और वो अब ये अंतिम प्रणाम यहां से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हीराबा पंच तत्व में विलीन हो रही है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को मुखाग्नि देते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ उनके भाई भी नजर आ रहे हैं। आज अपने अंतिम सफर पर है हीराबा। आपको बता दें कि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी मां को मुखाग्नि देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। हीराबा ने जिस तरह से अपने जिंदगी में संघर्ष की घड़ी देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये तस्वीर काफी भावुक कर देने वाला है, ये पल काफी गमगीन है। अपने अंतिम सफर पर है हीराबा। हीराबा ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, अब पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं हीराबा। पंच तत्व के विलीन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत ही
गमगीन माहौल है कि दुखद पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी,